डकी भाई के साथ ऐसा कौन सा वाक्य हुआ जो उसे अचानक अस्पताल जाना पड़ा और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं काशी यूनिवर्स। तो सबसे पहले तमाम दोस्त से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मजीद अपडेट्स देखने के लिए अपने स्क्वाड भाई को सब्सक्राइब कर दे। तो आज की वीडियो में हम मशहूर यूट्यूबर डकी भाई के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कराएंगे। डकी भाई को जो कि अस्पताल में मुंतकिल किया गया, तो क्या हुआ है डकी भाई के साथ, ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जो उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो आपको बताते चले कि डकी भाई को आज अस्पताल पहुंचाया गया। तो डकी भाई की तबीयत आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कौन सी वजह बनी है जो उसे अस्पताल जाना पड़ा, तो आप लोगों के सामने इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्त से रिक्वेस्ट है कि अपने स्प्रेड भाई को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आपको बताते चले कि डकी भाई जो 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर रखने वाले पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपने इनिशियल कैरियर जो कि स्टार्ट किया था वो रोस्टिंग से किया था और बाद में वो व्लॉगिंग की तरफ आके और पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर बन गए हैं। तो आपको बताते चले कि डकी भाई जो कि अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जो कि जिन्होंने घर में जिम बना रखे और हर तरह से मतलब वो अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, तो अपनी केयर करते हैं। तो इसी तरह डकी भाई के जो दांत थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, पीले हो गए थे। तो इस वजह से डकी भाई को अच्छा नहीं लग रहा था, उसके दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, येलो हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हर वक्त वो व्लॉगिंग भी करते हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे सफाई होगी। तो तकरीबन 1 घंटा पूरा उसके दांतों को रगड़ा गया, तब जाके उनका मतलब वो फ्रेश हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद उन पर ये मतलब हुआ है कि वाक्य हुआ है और वो बिल्कुल अब ठीक है और उन्होंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ी बहुत तबीयत अपसेट तो हुई थी क्योंकि केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि डॉक्टर ने उसे कंट्रोल कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू अल्लाह।